मैं मुरगीरावन कंगाली जी खोई हुई। मैं तो भूल भी गया था जब मुझे किसी ने बोला था 1983 में कि भी तुम मरावी हो तो आपका किस भाषा में अर्थ बताओगे? आप मरावी हो तो आप किस भाषा में इसका अर्थ बताओगे? उस वक्त पूछा उस शख्स ने मुझे, जहां अकोला के बिरला मंदिर में मैं 3 घंटा चर्चा करके जनरल पंडितों से आने के बाद में पूछ रहा है वो आदमी मुझे कि तुम मरावी हो तो किस भाषा में इसका अर्थ बताओगे? और शायद वो दिन January 83 का था। कुछ नहीं, ये सच्चाई है। 83 तक मुझे कुछ भी मालूम नहीं। नहीं नहीं मुझे मरावी बोलते तो किस भाषा में बोलते हैं नहीं मालूम था। मुझे उस शख्स का नाम अभी भी याद है, मिस्टर वेंकट साखराम। शायद वो भी किसी को ढूंढते थे, ढूंढने में बहुत पटाई थे वो आदमी, और शायद उनको किसी ने बताया कि ये सचिदानंद महाराज यहाँ आए हैं, लेकिन वो महाराज नहीं है सचिदानंद, वो आनंद मरावी है। सगा आज के डेट में बहुत लोग सगा नहीं है, ये बनाने की परिकल्पना इसी नागपुर में वर्तमान में शुरू है। इसी नागपुर में वर्तमान में बहुत सालों से शुरू है। बाबा साहब अंबेडकर के नेतृत्व में ये प्रक्रिया शुरू है सगा बनाने की इंडिया में। जो बचा हुआ गोंडी पुनेम का कार्य महात्मा बुद्ध जी ने अपनाया था, दादाजी का 25 अक्टूबर का आखिरी भाषण का सारांश, शायद 25 अक्टूबर के बाद में तो 5 दिन में हमारी भूलचाल भी नहीं हुई, लेकिन 30 को तो हम भूल गए कि दादाजी थे। '83 से 1986 तक मुझे ये ही नहीं समझा कि मैं सही में मरा भी हूं, माने जो लोग बोल रहे हैं इंडिया के, पूरे इंडिया के साहित्यिक उत्सव का जो बोल रहे थे वो साहित्य में मेरी भाषा नहीं बैठती, नहीं बैठती। इसलिए नहीं बैठती कि मैं जो मरावी हूं गैरव के साहित्य में मैं लिखा लिखाया हूं, लिखा लिखाया और प्रकृति प्रदत्त रहना, ये बात दोनों राज पद्धति में भिन्नता है। इसी राज पद्धति से हम लोग पहले बात, आजकल क्या है हमारे जो कुछ राजा लोग हैं, अभी जैसे घोंगड़ी निकलती ना वैसे भी राजा बन रहे हैं, कुछ लोग बहुत राजा बन रहे हैं, MP में देखो, छत्तीसगढ़ में देखो, बहुत घोंगड़ी निकलती ना बरसात में, वैसे भी राजा बनना शुरू है। और जो हिंदुइज्म में राजा पद्धति, जो राजा को शूद्र माना जाता है, हिंदुइज्म राजा पद्धति में राजा को शूद्र माना जाता है, लेकिन गोटुलिज्म राजा पद्धति को राजा को गण का प्रमुख माना जाता है। ये दो साहित्य के हम दर्शन अलग अलग उसका चश्मा देकर बात करें। राजा पद्धति, राजा बोलते हैं हम लोग, कौन राजा भक्त बुलंद शाह, परंतु यह और एक राजा है उप राजा जिसका नाम है भोसला उप राजा, तो उसके पहले राजा शब्द नहीं लगता,
का पहले राजा शब्द में, राजा भक्त उलन शाह जैसा बोलते हैं वैसा ही इसको क्या बोलते हैं, वो जो भोसले हैं नागपुर जी भोसले, हाँ नागपुर के क्या उनको श्रीमंत राजे रघुजी राजे भोसले। देखिए राजा भक्त उलन शाह और रघुजी के बाद में राजे भोसले, देखिए जरा शब्द का विश्वास करिए, ये ऐसा क्यों बना? सगाओं के हाथ से तीरा लगाना और गैरों के पैरों से तीरा लगाना, ये राज पद्धति के दो प्रकार है साहित्य मीडिया के, दो प्रकार है इसको साहित्यिक। आप, मैं तो नहीं लेखक हूं, मैं लेखक नहीं हूं, मैं मांडी चलाता हूं, आपको भी मालूम है, उस लेखकों की किताबों को मांडी में किस ढंग से परोसना जाएगा, परोसा जाएगा, किताब कितनी भी अच्छी हो। दादाजी ने जो किताबें लिखा गोंड गोंडी गोंडवाना, इनका दर्शन था, दादाजी का दर्शन, तब तक गोंड गोंडी गोंडवाना इस विषय को किसी भी, मैं साहित्यिक तो नहीं बोलूंगा इन्हें, दर्शक बोल सकता, दर्शन। और दर्शन कैसा, दृष्टिकोण रखकर दर्शन, सिंपल दर्शन नहीं दिया उन्होंने, एक एंगल में दिया दर्शन, गोंड गोंडी गोंडवाना। तब तक इंडिया के, उसके भी पहले वो कोई अपने एमपी किताबें लिखी गई 1922 से, लेकिन वो जो दर्शन है, देखिए आचार्य मोतीराम कंगाली जी के सन्मानार्थ एक किताबों का भंडार खड़ा हो रहा है भारत में, इसका मुझे सबसे ज्यादा मैं प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ और अच्छा भी नहीं लगा। कि ये मुद्दा स्टल मरकाम जी के उपलक्ष में और बाकी लोगों के भी उपलक्ष में चर्चा में आया था, पता नहीं यार 52 राष्ट्रीय संगठन आते बराबर मैंने चर्चा में पेश किया था शायद ये शब्द, 52 के 52 में से एक तो आ जाते हैं। आज सारी मीडिया चिल्ला रही है, सारी क्या चिल्ला रही है, भारत में लायर कानून बांधे में आया है, ऐसा चिल्ला रहे। जंगू रायतर की प्रकाशन सभा में मैं था कुलगांव में, उस वक्त इस गोंडी गोंड गोंडी गोंडवाना पे 83, 84, 85, 86 तक जो प्रवाह चल रहा था इंडिया में गोंड जंगू रायतार का, वो जो प्रवाह की बात है उसका पूरा का पूरा निचोड़ लिखने में आया, उसको बांधने में आया, उस मकान के बांधने वाले आदमी को बोलते हैं मोतीराम कंगाली। इसके सिवा तो हम लोग उस एंगल से, जैसा मोतीराम कंगाली साहब ने जो जिस एंगल से गोंड गोंडी गोंडवाना को बनाया, चाहे कितने भी इंडिया में उस वक्त भी मेरे ख्याल से आदिवासी साहित्यिक लोगों ने कब बार चैलेंज किया, एक बार तो मेरे सामने भी चैलेंज किया, मैं भी था, ये भी थे, मैं भी था, आदिवासी साहित्यिक चैलेंज क्यों करते हैं आदिवासी साहित्यिक, हम तो सीधी सीधी बात करते हैं, ये भाजपा कांग्रेस शिवसेना राका के बिचारे क्या बोलते हैं बिचारे है, अब वो आगे का शब्द नहीं हम लोग कर सकते क्योंकि साहित्यिक है, आज हम मांडी नहीं चला रहे हैं, अपना तो विषय नहीं, एक में आज के डेट में एक ही लाइन से हम लोग साहित्यिक लिख रहे हैं, एक ही लाइन से, वो लाइन
आत्रा मैडम क्या बोलते हैं, वरखड़ी मैडम की नहीं हो सकती। वरखड़ी मैडम आज जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो दुर्वे मैडम की है साहित्यिक लेखन की पद्धति, वो वरखड़ी मैडम की नहीं हो सकती। जो शीतल मरकाम जी की राइटिंग पद्धति थी, राइटिंग पद्धति तो हमने अभी तक सोशल वाला बोला ना तुम्हें, गोटूल, सगा, पेनकड़ा और पुणे, इस पर और भी बहुत लिखना बाकी है। क्यों लिखना बाकी है? संसार का टोटम इजम बोलते हैं, टोटमिक इजम जो बोलते हैं संसार का, वो इन पास्ट विचारधारा में समाया हुआ है। और वो महान तत्ववेता लिंगो देखिए, खुद लिंगो होकर भी मुठुआ को पांचवें स्थान पर रखते हैं। साहित्यिक की थोड़ा ध्यान नजर रखे, इधर साहित्यिक नजर रखे कि मुठुआ सभी बात को गाइडलाइन देते हुए भी खुद को पांचवें स्थान पर रखते हैं। वे गोटुल की परंपरा माने सब कुछ देने के बाद में भी प्रथम स्थान पर कुछ नहीं, नहीं पहली माला मुझे ही होना चाहिए, नहीं नहीं। जिसने सगाओं को डेवलप किया, हम लोग कार्यकर्ताओं को बहुत डेवलप करते हैं, लेकिन हमने शब्द बदलना चाहिए साहित्य में। अभी जो कार्यकर्ता बोलते सगा बोली, जैसा पेन ये शब्द को बहुत डाउन में चला गया था, आज पेन शब्द फिर से ऊपर आ रहा है, खराब लिया गया दादा हीरा सिंह जी के नेतृत्व में और आचार्य मोतीराम कंगाली जी के साथ में बैठ कर ठहराव लिया गया था कि आज के बाद में आप भी थे और मैं भी था, ठहराव लिया गया कि भाई इसके बाद में बड़ा देव नहीं बोलेंगे। फिर भी देखिए साहित्यिक लोगों की जवाबदारी क्या बोलती है, साहित्यिक लोगों की जवाबदारी ये है कि ये शब्द को किस ढंग से हम लोग ज्यादा से ज्यादा लाए पेन, क्योंकि सबको पहले बात साहित्यिक लोगों को मालूम है कि इस इंडिया में दो ही संघर्ष है, जात जमात नहीं, देव दानव जमात। संघर्ष कौन सा है? देव दानव का नहीं, संघर्ष देव दानव का है तो हमारे साहित्य की तरह आना चाहिए। नहीं, उधर नहीं जा रहा हूं मैं, इस शब्द के तरफ थोड़ा सा हम लोग बाजू में रखे। और परसा पेन और उसकी गोटुल की गोंडी, गोटुल की गोंडी जिसके लिए पूरा जीवन कंगाली दादाजी ने आखिरी में जो जिसके लिए प्रयास किया है, गोंडी डिक्शनरी, गोंडी गोंडवाना, हमारा थेरम ही हो गोल गोंडी गोंडवाना का। क्यों हो? कारण है उसका, सत्ता है, समाज सत्ता है और बाकी लोगों की जो है वो राज सत्ता है। इस दो बातों का थोड़ा ध्यान रखे लिखते वक्त और उसका मीनिंग समझते वक्त। हम लोग जो अभी पढ़ रहे हैं, लोगों को पढ़ना तो चाहिए, लेकिन हम लोग ये सोचते हैं अरे यार हमारा इतिहास ही क्यों नहीं है, हिस्ट्री में हमारे को दो शब्द क्यों नहीं है। जब रानी दुर्गावती यहाँ के इतिहास में मैंने देखा, चौथी कक्षा में, पांचवी कक्षा में या सातवीं कक्षा में था एक लेसन, उसको भी हटा दिया गया। क्यों? कारण है ना भैया, इन्होंने पैर के अंगूठे से टीरा नहीं लगाया। कारण एक ध्यान में रख लो, ध्यान में रख लो। और हम लोग यहाँ जितने भी बैठे हैं गोंडी गोंडवाना वाले हैं, अब होता क्या है, हमारे पंथ बदल गए। ऐतिहासिक लोगों के पंथ नहीं बदलते। अभी जो बाबू ढोके जी ने जो किताब लिखा है, बाबू ढोके कट्टर अंबेडकरवादी, अब बाबा साहब ने जो वाद दिया है
क्या दिया है, अपनी बात को पहचानो। अब इस भूमि पर रहने वाला आदमी कौन, गोंडवाना में रहने वाला कौन ना, तो उस तरफ राइटिंग करने वाला आदमी गोंडा ही होना चाहिए ना, उसकी जो प्रभु सत्ता या प्रभुता वो गोंड होनी चाहिए उसकी, नहीं वो आपको वो उसकी जो लिखने की जो पद्धति है वो गोंडी होना ही चाहिए। हाँ बिल्कुल होना चाहिए, जैसा कि भी एकदम उधर के जो नागा लोग हैं, उधर के जो नागा लोग हैं उनकी जो पद्धति है उधर के स्थानीय पद्धति से वो लिखता है, वो स्थान उनका नागालैंड का। तो ये गोंडवाना की गोंडवाना की जो बात करते हैं हम लोग हैं, तो भी हम प्रयास करें औरों को भी लिखवाने के लिए, हम भी तो लिखे, लेकिन हमारे लेखकों का इतना प्रभाव होना चाहिए कि हम मांदी में बैठने के बाद में किसकी किताब रखना चाहिए मांदी में, जो मांदी में किताब रखते ही है, क्योंकि मांदी में जब बैठते हैं तो हम दर्शन क्या कर देते हैं। अभी इंडिया में मांदी नहीं चल रही है, कार्यक्रम चल रहा, सम्मेलन चल रहा, क्या अनुसूचित पांच में सम्मेलन होता है कि मांदी होती है, इस पर भी थोड़ा ध्यान दे लेखक महोदय। पहली बात बोला मैंने, मैंने लिखने का प्रयास किया था, कुछ बातें लिखने का प्रयास किया था तो क्या बोलते करेक्शन भी हो गया था, लेकिन मुझे क्या मालूम आचार्य मोतीराम गंगाली साहब को करने के बाद में वो चले जाएंगे, और ऐसे में मेरा जो कुछ लिखा हुआ था पांडुलिपि बोलती जिसको, वो शायद वैसे के वैसे उनके घर में है। फिर से ये बात चालू होने के लिए मैं बार बार चिन दादा को बोलता था भाई कैसा करेंगे, वो बोले दादा हीरा सिंह जी को बात कर। मैं बोला यार बात करने का माने पहले इधर जमा के तो रखना पड़ेगा, नहीं तो हम बात करेंगे और वो आएंगे, वो तो आ ही जाते हैं और फिर यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। तो मैंने इसके बाद में शीतल सिंह बरकाम जी या तेलंगाना के जो अभी शायद पहुँचते हो गए, इन लोगों से चर्चा किया। मैंने चर्चा इसलिए किया कि प्योर एंड प्योर जो गोंडेश्वरी बोलते हैं हम लोग, गोंडेश्वरी, तो गोंडेश्वरी की हम जब भी बात करते हैं आप लोग सर्री ताकिंता हिदे निवे सिरडिता, आप लोग सर्री ताकिंता हिदे निवे सिरडिता, जो जैसा बोलते हैं क्या है। अब बहुत सारे लोगों को बात समझ में नहीं आई, आप बोलोगे उनको समझ में नहीं आएगा ना, आप साहित्यिक, ऐसा नहीं है श्याम मरकाम जी साहित्यिक नहीं है, साहित्यिक है। अब वो जवाबदारी उनकी तरफ भी इतनी दी गई दूसरी, तो शायद वो छत्तीसगढ़ में से बावनगढ़ के छत्तीसगढ़, तो बार बार हम बावनगढ़ के छत्तीसगढ़, वाक्य रचना हमारी बदलना चाहिए, बावनगढ़ के छत्तीसगढ़ का हूं मैं, समझ जाइए इस ढंग से हमने अपनी वाक्य रचना बनाई, और बनाने का क्या है, बावनगढ़ में से छत्तीसगढ़ का ही है ना, छत्तीसगढ़ माने साहित्य में कुछ बातें बनाना जरूरी है। हमें तो हम लोग वक्ता लोग हैं, क्या बोलते उस मांदी में बात करते रहते हैं, बात पेन कड़ा की हम लोग लाते हैं, उसके बाद में पुनेम को लाते हैं, और पुनेम के बाद में मुठवा को लाते हैं, पांडी पारी कुपार लिंगोना सेवा सेवा, इस ढंग से हम लोग उस पंच सूत्र को आने वाले साहित्यिक लोग भी उस पंच सूत्र को फिर से, शायद मैंने गंगली मैडम जैसे इस विषय पर ये 4 दिन में चर्चा किया था, मैडम एक विषय रह गया है और वो आपको पूरा करना है, इसलिए पूरा करना है, वो उनका हक भी है और अधिकार भी है, वो उनका हक भी है और
अधिकार भी है, और इसलिए मैं बोला इतने से बात को आप कर देंगे तो आने वाले जो हमारे वो बात पर चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन फिलहाल हम लोग आज का जो ठहराव है कि दादाजी के नाम से अमरकंटक में अमरकोट में बहुत बड़ा जैसा भोपाल में होता है पुस्तक मेला, हमारी नहीं होती पुस्तक भोपाल में पुस्तक मेला बहुत बड़ा लगता है, नागपुर में लगता है, इधर लगता है, उधर लगता है, हमारी नहीं लगती पुस्तकें, हमारी किताबें कौन रखेगा भाई जी, हमें ही करना पड़ेगा ग्रेजुटी पेंशन में से कुछ पैसे अलग बचा के ज्यादा से ज्यादा अपने घरों में किताबें खरीदना पड़ेगा। किताबें है इंडिया में, आजकल तो अमेरिका से मेरे ख्याल से वो 2,500 की किताब मिलती है, द स्टोरी ऑफ गोंडवाना जो नागपुर में छपी थी, शायद मामा जी बराबर है, नागपुर में छपी थी द स्टोरी ऑफ गोंडवाना, लेकिन वो स्टोरी ऑफ गोंडवाना की बात आज वो अमेरिका वाला बोल आता है यहाँ नागपुर में और वो बताता है ये लो द स्टोरी ऑफ गोंडवाना। तो इस ढंग से आज नए साहित्यिक लोग ये बात को उठा के काम करेंगे। मैं बोलने का था, मुझे एक तो बहुत इस विषय पर मैं आज ही बात कर रहा हूँ दादाजी जाने के बाद में, क्योंकि दादाजी जाने के बाद में मैं खुद को बहुत ही अकेला महसूस करता, बहुत थका, बहुत डेरिंग थी, दादाजी साथ में रहने के बाद में मुझे सब डेरिंग थी, लेकिन दादाजी जाने के बाद में जो बोलते हैं ना जो हिम्मत, तो आज हम लोग सभी एक प्रण करें कि नए साहित्यिक लोगों की निर्मिति करें, साहित्य की निर्मिति करें और अभ्यास की तरफ में इधर ध्यान दे, लेकिन दो बातों तो रखना पड़ेगा, इंडिया में कास्ट और ट्राइब है, दो ख्याल में रखना पड़ेगा बात, हमें साहित्य किधर लेना है, ट्राइब के साहित्य बहुत अधूरे है, और ट्राइब का राजा और कास्ट का राजा बिटवीन मच डिफरेंस, इधर हमें थोड़ा सा साहित्यिक लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। तो मैं तो ज्यादा साहित्यिक लोगों को मार्गदर्शन नहीं कर सकता, क्योंकि तुम्हारी किताबें पढ़कर मैं मांडी में बखान करता रहता हूं। आज यंचा जो माटिया रायला ना तो बताता ब्रेक जा, आज जेल पुराम साहब का जो उत्स्फूर्त भाषण चल ही रहा था, नहीं उनको नहीं, हम लोग बार बार बोलते हैं कि इनको ज्यादा टाइम दो यार, क्योंकि बहुत इनके पास में ऐसे से ऑब्जेक्ट यही है कि भाई जो सब्जेक्ट वही है मोतीराम कंगाली दादा के नाम से साहित्य क्या बोलते हैं किताबों का संग्रह संग्रहालय किताबों का ही नहीं, तो गोंडी भाषा बोलिए ना साहित्य गोंडी भाषा और साहित्य गोंडी भाषा में क्या है, किंगरी भी साहित्य गोंडी भाषा का वो आ गए।